एक जंगल में टुनटुनी और सुंदरी कबूतरी नाम की दो बहुत अच्छी सहेलियां रहा करती थी। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो हमेशा साथ साथ रहा करती थी। टुनटुनी जहां मन की बहुत साफ और दयालु थी, तो वहीं सुंदरी कबूतरी के मन में सिर्फ लालच था। वो किसी की मदद नहीं करती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। अरे सुंदरी, चल हम जंगल में चलते हैं और कहीं पर काम ढूंढते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखों मर जाएंगी। तू बात तो सही कह रही है टुनटुनी, लेकिन मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। अरे तू हमेशा आलसी ही रहेगी क्या? बचपन से तुझे देख रही हूँ, मैं काम धंधा करती हूँ और तू है कि बस घर पर बैठी रहती है। चल चल, आज हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है टुनटुनी, अब तू इतना कह रही है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन हमारे पास कुछ खाने के लिए भी तो होना चाहिए। हम जंगल में भटकते रहेंगे तो थक जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास ये थोड़ा सा फल है ना, हम यही फल लेकर चलते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। ठीक है सुंदरी, तू ये फल ले ले और चल मेरे साथ। दोनों सहेलियां जंगल में बहुत देर तक भटकती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम धंधा नहीं मिलता। अरे टुनटुनी, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाता, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। चल ना, हम अब खा लेते हैं कुछ, ये फल हम खा लेते हैं। चल वहाँ पास में ही एक नदी है, उस नदी के किनारे बैठकर आराम से फल खा लेंगे और पानी पी लेंगे। क्या सुंदरी, तुझे हर वक्त बस खाने की पड़ी रहती है? यहाँ हमें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है और तू है कि खाने के पीछे पड़ी हुई है। चल ठीक है, चल नदी के पास चलते हैं। सुंदरी और टुनटुनी दोनों नदी के पास आ जाती हैं। तभी उन दोनों के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों के पास खाने के लिए ये फल है, क्या तुम मुझे इसमें से कुछ फल दे सकती हो? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, दर दर भटक रही हूँ, कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता, कोई मेरी मदद नहीं करता, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी तुम्हारी तरह गरीब ही हैं और हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पास खाने के लिए ये मात्र फल बचा हुआ है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? मैं तो नहीं देने वाली कुछ, जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर कुछ मांगो। ऐसा मत कहो बेटा, इस जंगल में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँगी, ऐसे तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी बेटा, मुझे बस थोड़ा सा फल दे दो, मुझे बस एक फल दे दो, मैं वही खाकर अपनी भूख शांत कर लूंगी। अरे बोला ना, जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे अरे सुंदरी, शांत हो जा, मुझे थोड़ी भी दया नहीं आती क्या? बूढ़ी अम्मा, इसे माफ कर दो, ये थोड़ी सी नकचढ़ी सी है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप ये फल ले जाइए और खाकर अपनी भूख शांत कीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए बस इतना ही है। अरे टुनटुनी, ये तू क्या कह रही है, मैं इसे फल नहीं देने दूंगी तुझे, समझी? ये फल सिर्फ तेरे नहीं है, ये मेरे भी हैं, इन पर मेरा भी हक है, मैं तुझे ये फल बिल्कुल नहीं देने दूँ। ठीक है सुंदरी, अगर तुझे आज इस फल की ज्यादा चिंता हो रही है, ना कि किसी गरीब पर दया आ रही है, तो तू ये फल रख ले, लेकिन इसमें मेरे हिस्से का भी तो फल है ना, तो मेरे हिस्से का फल तू दादी अम्मा को दे दे, बाकी तू खा ले। टुनटुनी, हम दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं, तू इस बूढ़ी चिड़िया के लिए मुझसे दोस्ती तोड़ रही है, मेरे साथ दुश्मनी कर रही है। ऐसा तुझे लगता है? मैं तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। और अगर तू इतनी ही लालची है ना, तो मुझे तेरे साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी है, तू चली जाए यहाँ से, जाकर अपना खुद देख, अब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे और मैं उस घर में वापस भी नहीं आऊंगी। इस तरह दोनों सहेलियों में बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है। सुंदरी कबूतरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी अपने हिस्से का फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। ठीक है दादी अम्मा,
आप ये फल खा लो और नदी से पानी पी लो, आपका भूख शांत हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे अब कुछ काम धंधा देखना होगा क्योंकि अब तो मेरे पास घर भी नहीं रहा। इससे पहले कि टुनटुनी वहाँ से जाती, वो बूढ़ी चिड़िया एक परी में बदल जाती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, मैं कोई बूढ़ी चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं इस जंगल में ही रहा करती हूँ। मुझे परी लोक से यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुम जैसे गरीब चिड़िया की मदद कर सकूँ। मैं हर वक्त लोगों की परीक्षा लेते रहती हूँ, जो मेरी परीक्षा में पास हो जाता है मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। और तुम भी मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। तुम्हारी सहेली तो बहुत लालची और कठोर स्वभाव की थी, उसे तो बिल्कुल भी मुझ पर दया नहीं आई। लेकिन मैंने देखा तुमने उससे दोस्ती तक तोड़ दी और मेरी मदद की। मैं समझ गई तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है और मैं अब तुम्हारी मदद करूँगी। क्या, कैसी मदद परी? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक काम चाहिए। मैं मेहनत की कमाई खाना चाहती हूँ, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ टुनटुनी, इसीलिए मैं तुम्हें बस एक पेड़ देने वाली हूँ। परी के ऐसा कहते ही नदी में एक जादुई पेड़ निकल आता है जिसमें 7 तरह के फल लगे हुए थे। टुनटुनी, ये एक जादुई पेड़ है, इसमें 7 तरह के फल लगते हैं। मुझे पता है आज तक तुमने ऐसा पेड़ नहीं देखा होगा जिसमें एक साथ 7 अलग अलग फल लगे हुए हों। लेकिन ये जादुई है। मैं तुम्हें कोई दौलत नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें बस ये पेड़ दे रही हूँ। तुम इसके फलों को बेचकर मेहनत से पैसे कमाना और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज से ही फल बेचने का काम शुरू कर दूंगी और जितना हो सकेगा गरीब लोगों की मदद जरूर करूंगी। इसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। ये सारी बातें सुंदरी कबूतरी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन लेती है। वो जादुई पेड़ को भी देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये टुनटुनी मुझसे दोस्ती इसीलिए तोड़ रही थी ताकि इसे फायदा हो। इसने मुझे अपने रास्ते से हटा लिया ताकि वो परी जो भी देगी वो सब बस इसको मिले, मुझसे न बांटना पड़े। अब मैं समझी, मैं इस टुनटुनी को छोड़ूंगी नहीं। सुंदरी कबूतरी को अब टुनटुनी से बिल्कुल जलन होने लगी थी। टुनटुनी उस पेड़ में से फल तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। इधर सुंदरी कबूतरी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए आती है। टुनटुनी ने क्या सोचा कि वो फल बेचकर अमीर हो जाएगी और मैं दर दर की ठोकरें खाती रहूंगी। मैं इस पेड़ को यहाँ से लेकर तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैं इसे काट दूंगी। अगर ये पेड़ मेरा नहीं तो ये टुनटुनी का भी नहीं हो सकता। टुनटुनी को भी मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी होंगी। जैसे ही सुंदरी उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है तभी एक जादू हो जाता है और वो पेड़ कहता है, अरे सुंदरी, तू कभी भी नहीं सुधर सकती। मुझे यहाँ पर टुनटुनी के लिए लगाया गया है, मुझे यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता, तू मुझे छू भी नहीं सकती। चली जा यहाँ से वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैं आज तुझे काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तू बात भी कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। चल आज मैं तेरा अंतिम संस्कार कर ही देती हूँ। सुंदरी कबूतरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जादुई पेड़ जादू करता है और सुंदरी कबूतरी उसी पेड़ में बंध जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अभी आजाद खड़ी थी, मुझे किसने बांध दिया? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। फल बेचकर टुनटुनी उसी पेड़ के पास आती है। वो देखती है सुंदरी कबूतरी उस पेड़ से बंधी हुई चिल्ला रही है, अरे सुंदरी, तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे इस पेड़ में किसने बांध दिया? रुक, परेशान मत हो, मैं तुझे बचाती हूँ। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम इसे नहीं बचाओगी, ये बहुत बुरी है। इसके मन में बस लालच और ईर्ष्या भरी हुई है। ये तुमसे जलने लगी है, इसीलिए मेरे पेड़ को काटने के लिए आई थी। तो मैंने इसे समझाया लेकिन ये फिर भी नहीं समझी, तो मैंने इसे बांध दिया। तुम इसे मत खोलो, इसे 2 दिन तक ऐसे ही भूख प्यास से मरने दो, तो इसे अपनी गलती समझ आ जाएगी और इसके मन में भरा हुआ जलन निकल जाएगा। नहीं नहीं जादुई पेड़, ऐसा मत कहो,
ये मेरी बहन की तरह है, बचपन से ही हम दोनों साथ रहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, इसे छोड़ दो, अब से ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। टुनटुनी की बात मानकर जादुई पेड़ उसे छोड़ देता है। सुंदरी कबूतरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा करने का सोचा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आऊंगी। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। नहीं नहीं सुंदरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अरे सुबह तो बस गुस्से में मैंने तुमसे वो सब कह दिया था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब भी वही प्यार है। तुम मेरे साथ ही रहोगी, हम दोनों मिलजुल कर फल बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उससे हम गरीब लोगों की मदद भी करेंगे और हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। इस तरह टुनटुनी सुंदरी कबूतरी को माफ कर देती है। दोनों सहेलियां रोज बाजार जाकर फल बेचा करती थीं। इसी तरह उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं।